कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर ताकत का परमेश्वर है, सामर्थ्य का है, जो इतना बड़ा आकाश एक शब्द से बना सकता है, इस पृथ्वी को बना सकता है। आप बताओ आपका काम उसके लिए कितना बड़ा है, बताओ मुझे कितना बड़ा है, बताओ मुझे कितना बड़ा है, आपकी जरूरतें कितनी बड़ी है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, ये जीवन की चिंता न करना, खाओगे पियोगे पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा पिता वो स्वर्गीय पिता, लोग तो उसे पता नहीं किस किस नाम से पुकारते हैं, पर मसीह में आपका वो पिता भी है। क्या है वो आपका, कितनों को बता वो मेरा पिता है, सबको बताए, सबको बता मेरा पिता है, तो पिता तो फिर कितना सामर्थ्य ताकतवर है। और बच्चे हालातों में, प्रॉब्लम में, समस्या में है, हाँ ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, सोच रहे रात दिन, चिंता कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं रात दिन, चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अब मेरे हस्बैंड का नशा नहीं छूट रहा, मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरी रसौली, मेरी पथरी, मेरा ये काम, मेरा वो काम, हाँ बोलो क्या है मेरा, तो वो मसीह में आपका पिता भी है। सिर्फ उसे समझना है, जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, ये जीवन की चिंता नहीं करनी किसी भी चीज के लिए, सबसे पहले तुम उसके राज्य और सच्चाई की, उसके ज्ञान की खोज करो। क्या करो, उसके ज्ञान की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं जो तुम अपने जीवन में चाहते हो, वहां पे तो लिखा मिल जाएगी, पर ओरिजिनल टेस्ट में लिखा वो चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर आएंगी। आमीन ऊंचा है, सारी चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर आएंगी। आप हीलिंग चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, बेबी की ब्लेसिंग चाहते हो, बिजनेस की चाहते हो, काम की चाहते हो, पीछे आएगा। पर श्रीगान सबसे पहले उसको जानो, वो कौन है, बोलो क्या है, कैसे हम जानते हैं, उसके ज्ञान से, उसके वचन की सच्चाई से। इसीलिए लिखा परमेश्वर के ज्ञान को सही से जानना से ही उत्तम जीवन है, चोखा जीवन है, यीशु मसीह स्वर्ग से लेकर आया।